और उसके अंदर छोटा पॉकेट था, उसके अंदर थे नेकलेस, गंठन, कान में के मनगटे, हाथ में के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब थी चीजें, वो सब गए। झीरो न्यूजच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। पुणे स्टँड परिसरात 64,000 रुपयाची चोरी। अहमदनगरहून पुण्याकडे जाण्यासाठी निघालेल्या समीर शेख, करिश्मा शेख या दाम्पत्याची पुणे स्टँड परिसरात एकूण रोख रक्कम व 64,000 रुपयाची दागिन्याची चोरी झाल्याचे निदर्शनास आले। अहमदनगरहून पुण्याकडे जाण्यासाठी निघालेल्या दाम्पत्यांनी बसमध्ये चढल्यानंतर तिकिटाचे पैसे काढण्यासाठी तपासले असता बॅगमधील पैसे नसल्याचे लक्षात आले। नंतर बॅगही तपासली असता बॅगमधील दागिनेही चोरीला गेल्याचे लक्षात आले। समीर शेख या दाम्पत्याने कोतवाली पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल केली। तक्रारीमध्ये एकूण 64,000 रुपये किमतीचे दागिने व रोख रक्कम, आधार कार्ड व पॅन कार्ड चोरी गेल्याचे भादवी कलम 379 प्रमाणे गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली। पुणे जा रहे थे, पुणे स्टार्ट पे से दो बज के 22 मिनट पे पुणे स्टार्ट पे थे। हम नाश्ता करने रुके थे तो नाश्ता किया, मेरे मेहमान आ गए तब तो नाश्ता होने के बाद में हम और रुके तो फर्स्ट कोई आ रहे नहीं थे। हमने 1.5 घंटा वेट किया तो 2 बजे करने से हमने आधे घंटे में नाश्ता किया, 1.5 घंटा वेट करे बस का। तो 4 बजे एक बस आ गई, 4 बजे एक बस आई तो बस में मैं चढ़ा, जगह है क्या देखने के लिए, जगह नहीं थी, मैं पीछे नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद में हम वहाँ से देखे तो बहुत टाइम हो रहा था, हम लोग को डांगे चौक में जाने का था पुणे को, और जाने का था तो रूम पे, तो उधर जाते टाइम है ना तो देखा था दूसरे प्राइवेट बस में बैठे थे, उधर देखा था तो पैसे देखा था, सुनने के सब बैकेट पॉकेट भी गए और पैसे भी गए। उसमें 3,500 रुपये थे, 3,000 से ज़्यादा थे, 3,500 तक लगभग रुपये हो रहेंगे वो। और वो जाते टाइम देखे थे, वो हमें प्राइवेट बस वाले ने 500 रुपये मांगा था, 500 रुपये निकालने देखे थे, फिर हमको याद हुआ कि पर्स ही गायब हुआ नहीं क्या, वो सुनना पूरा गया नहीं क्या, छोटा पॉकेट था वो पॉकेट ही चोरी हो गया। मैं नीचे ही थी भीड़ में, थोड़ा अंदर जाने लगी थी मैं बस में चढ़ रही थी तभी मेरा पॉकेट किसी ने ले लिया पर्स में से। पर्स के अंदर छोटा पॉकेट था, उसके अंदर थे नेकलेस, गंठन, कान में के मनगटे, हाथ में के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब थी चीज़ें, वो सब गए। फिर थोड़ी देर के बाद में हम सब मालूम होने के बाद में पुलिस स्टेशन गए, तो वाले पुलिस स्टेशन में गए, फिर वहाँ पे हमने FIR दर्ज की। दर्ज किया हमने FIR, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमें हमारे चीज़ें मिल जाए, जल्द से जल्द ये चोर जो पकड़ा जाए ना, क्या जो बैग ऐसा मारता है, जल्द से जल्द ये हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। पुलिस ने जो फोटो दिखाई वो पार भी लोगों की, उसमें एक वो जो औरत थी वही औरत का फोटो था उसके अंदर। तुमने पहचाने? मैंने पहचानी, मैंने उसके अंदर जो बस में चढ़ रही थी ना वही औरत का फोटो उन्हें बताया, वही थी, मैंने पहचान लिया वही थी। झीरो न्यूज म्हणजे सर्वसामान्यांची आवाज, तर चला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करूया। झीरो न्यूज अहमदनगर।